यूपी आज देव सर के साथ बहुत डीप लेवल में क्लास हुई ऑडियो सेक्शन को लेके, तो उन्होंने बताया एमटीके सीपीयू या फिर आपका कोई सैमसंग का रहा, क्वालकॉम हुआ, जितने में सारी में कौन सी आईसी ऑडियो आईसी रहेगी और कौन सा रिंगर के लिए क्या आईसी यूज़ की जाएगी, कितने बोर्ड की रहेगी, स्मार्ट पीए कौन सा होता है, नॉर्मल पीए कौन सा होता है, उसके लिए कौन सा एएन सिग्नल है, क्या कोडिंग यूज़ करी जाती है एएन सिग्नल के लिए, और उसको जो उसके अंदर जो भी कोडिंग रहती है पूरी ए टू जेड, मान लीजिए 14 बॉल की है तो 14 बॉल में कितनी क्या कोडिंग रहेगी और कितने कितने जीआर मिलेंगे आईसी उठाने के बाद, वो सारा कुछ बताया। और कैसे हमको चेक करना है, डीएसओ से कैसे चेक करना है और विदाउट डीएसओ कैसे चेक करना है, सारा कुछ एकदम डीपली बताया सर। तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में आईसी उठा के पेनड्राइव बना के चेक आपने स्वयं किसी भी पर चेक किया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर किया। अब क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर सेट में आज की डेट में या तो क्या लगा हुआ है स्मार्ट पी, नहीं लगा तो क्या लगा हुआ है कौन सा वाला, वो भी K318 9 बॉल, अब रैंडमली बहुत कम है, ये बिल्कुल ऐसे थे कि बहुत पुराने सेट में लगे थे। और आपके सेटों में जैसे नए नए रियलमी C2, इसमें भी आपका 9-14 बॉल का लगा है, C3, ये सारे बॉलों में जितने आते जा रहे हैं। 9 बॉल यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल होता है जो कहीं भी फिट हो जाए। यस सर, इसका ये यहाँ से जो ना ब्रेक था, कहाँ से ब्रेक था, कॉइल से यहाँ से जब ब्रेक था इसमें जम्पर किया, ये वोल्टेज की लाइन का था कि क्या लाइन, वोल्टेज की लाइन थी इसमें जो ना, कितने वोल्टेज आ रहे थे इसमें, तो इसमें 4.1 तो अब मैं बात करना चाहूँगा तो इसमें क्या किया है आपने सर, अब इसमें जम्पर करके आई सी दोबारा लगा रहे हैं, लगाने वाले कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा, और समझ में आया? अच्छा। अब आप डायग्नोस कर पाएंगे इसके अगर पे और कोई फ़ोन हो तो उसको डायग्नोस कर पाएंगे? कोई भी फ़ोन हो कर देंगे। क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जिसको सीखना है वो कर सकते हैं। ऐसा वसूल है? सर पैसा वसूल है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए? बेस्ट है सर, बहुत बढ़िया बेस्ट। प्रैक्टिकल में एक एक ने आईसी उठा के पेड लाइन चेक करी, उसका डायग्राम बनाया, डायग्राम आपकी कॉपी पे मिल सकता है, आपको सबको समझ में आया? किस किस को समझ में आया, हाथ खड़े करके बताओ, बताइए मेरे हाथ खड़े करके किस किस को समझ में आया। अगर आपको मैं अगर रिंगर का फॉल्टी अगर एक मोबाइल देता हूँ तो आप बनाने में सक्षम हो गए हो, आपको मालूम है एन पे कितने वोल्टेज आते हैं, एन पे जीआर कितने आते हैं, बीपीएच अगर आ रहा है 4 वोल्ट तो आपको जीआर का कितना मिलेगा, वोल्टेज कितना मिलेगा, कौन सी जगह पे मिलेगा। मासी बंसारी बहराइच यूपी। अच्छा जी, हमारी आज देव सर के साथ क्लास थी ऑडियो रिंगर आईसी और ऑडियो आईसी थी, बिल्कुल डीप लेवल पे लेकर गए हम लोगों को, क्वालकॉम सीपीयू हो, एमटीके हो, स्पीडी हो या सैमसंग का हो, कोई भी हो, कहाँ से डीसी टू डीसी चेक करना है, हम लोग एक आईसी को देख के बता सकते हैं कि ये डीसी टू डीसी आईसी है, ये चीज़ है, और पीएन सिग्नल कितने वोल्ट का आएगा, कितने किलो का, ये सब हमको डीप लेवल में बताया गया आज। तो ये बताइए मेरे को कि उसी की जो सर ने आपको पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल क्लास में ये सर, उस जहाँ से हम लोग आए उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को 10 मिनट को स्टूडेंट है। आज सुबह देव सर के साथ क्लास थी, ऑडियो सेक्शन साउंड सब कुछ बाकायदा देव सर ने बताया दिखाया, और रीडिंग क्या आती है, क्या जीआर मिलता है, कितना इनपुट आउटपुट आता है, सब बताया देव सर ने, फिर उसका प्रैक्टिकल किया और अच्छा प्रैक्टिकल के उसकी सर्किट जितना डायग्राम सब बनाया, उसके बाद प्रैक्टिकल हो गया है उसी का, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुआ उसका यहाँ पे आईसी उठा के उसका पेडलाइन बनाया, पूरा पेडलाइन पूरी डाटा शीट देख के बॉल को चेक करके पूरा आईसी उठा के हम लोग। मेरा नाम रिजवान है जी। रिजवान बताइए। जी बताइए सर। बहुत डीपली लेवल पे सिखाया है सर जी। आज जो रिंगर का प्रॉब्लम आता था या फिर एयर स्पीकर का प्रॉब्लम आता था सर, उसको सिर्फ चेंज करना जानते थे हम, पर चेंज किया नहीं चला वापस कर देते थे। और आपने प्रैक्टिकल क्लास में सारा प्रैक्टिकल किया, सारा किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सर। मैंने 2 सेट जो नहीं बना था मेरे साथ, वो मैं आज करके दिखाया सेक्शन जी। देव सर ने हमें CPU के टाइप के बारे में बताया कि ये वाले क्वालकॉम में ये वाली ऑडियो आईसी लगी होगी, मीडिया टेक का होगा तो ये वाली लगी होगी। उसके बाद सर ने हमारे ही एक लाइव सेट से अपना उसका रिंगर नहीं चलता था, वो सर ने उसका पैड लाइन का एक माइक्रो जम्पर लगा के
उसको बनाया और हमें बताया कि ये क्यों नहीं चल रहा था। वो अपना EN का सिग्नल टूटा हुआ था उसका उसका EN का सिग्नल। ये भी बताया कि EN का सिग्नल अगर हमें बाईपास करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। बाईपास भी कर सकते हो, EN सिग्नल को बाईपास भी कर सकते हो, आपको CPU तक जाने की जरूरत नहीं है, रास्ते से ही उसको आप बाईपास करके और EN को बना सकते हो आप। तो उसके बाद सर के साथ जो क्लास थी उसका हमारा प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल में हमने IC उठा के उसके नीचे जितनी भी बोले थी सब पे GR चेक किया और कहाँ से कहाँ की लाइन आ रही है वो सारा चेक किया। अंशु होटल में जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। आज मेरी क्लास देव सर के साथ थी ऑडियो सेक्शन के रिलेटेड। जब जो भी मतलब ऑडियो सेक्शन के बारे में डीपली नॉलेज दिया सर ने। और क्लास के बाद प्रैक्टिकल का मतलब MD सर के साथ प्रैक्टिकल था, जो देव सर ने जो पढ़ाया सिखाया वही प्रैक्टिकल में हमने रिविजन किया सर। तो ऐसा तो नहीं होता कि देव सर कुछ और पढ़ा देते हो प्रैक्टिकल में कुछ और पढ़ा देते हो? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सेम सारी चीज का सिंक्रोनाइज होता है। जी सर। जो सर पढ़ाते हैं उसी का प्रैक्टिकल होता है कि दूसरी चीज का प्रैक्टिकल होता है? नहीं सर, वही चीज का प्रैक्टिकल होता है। डाटा दोनों का मैच करता है? जी सर, 100% मैच कर। पांचवे दिन की क्लास हो गई आपकी, तो पांचवे दिन का रिजल्ट क्या है? और बात करूं मैं आज RDO रिंगर की, RDO प्लस रिंगर IC की क्लास थी आपकी, तो इसका क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसी लगी क्लास आपको? सर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की बात करें तो सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया सर, सब नॉलेज दिया सर। फिर क्लास के बाद सर की क्लास के बाद हम प्रैक्टिकल पे आए, IC पैड पे चेक किया कहाँ से क्या होता है, कहाँ से कितना वोल्टेज मिलता है, कितना GR मिलता है, सारी चीज़ें। तो आपने IC उठा के? जी। तो सर आज सुबह हमारी देव सर के साथ क्लास थी और उन्होंने बिल्कुल डीपली नॉलेज से समझाया रिंगर ऑडियो IC के बारे में, हमें डीपली नॉलेज दी है। जी। तो मतलब उसके बारे में मुझे 0 से लेकर मतलब आप मान के चलो 10% का भी नहीं पता था, अब मैं 100% जानता हूँ। अच्छा, तो देखो तुम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, अपने आप को 0 पे रख रहे हो, यहाँ आके सारी चीज़ें समझ रहे हो, तो समझने में एक फ्रेशर बच्चा आता तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे को क्या मिला। समझना मेरी बात को। पर बाकी एक जो अनुभवी इंसान काम करता है और 10 साल से गलती करते आ रहा है, वो चीज़ सीखी नहीं है, फ्रेशर है, वो आज पहली बार सीख रहा है, तो उस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है। आप 2-4-5-6 साल से काम कर रहे हो, तो आपको आपका अनुभव क्या है आज इसी सेक्शन की बात करूँ, ICU से सेक्शन आज आपका अभी इस फॉल्ट में कोई भी सेट आएगा वो वापस नहीं जाएगा, और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी, बस ये था फोन आया कोई भी है कुछ थोड़ा बहुत किया जो जानते थे वो करके अगर नहीं हो रहा तो वापस कर देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन अब इतना है हम 0 से लेकर 50% अब मानते हैं, 100 तो कोई हुआ नहीं सर, लेकिन 50 जरूर मान रहा हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। तो ठीक है, जितना समझाया है उसका मुझे बिल्कुल 0 से लेकर जितना समझाया 100% जानता हूँ। तो पूरा पेडलाइन चेक किया उसका, उसी का पूरा हर कहीं नहीं, IC के अंदर मारे, यही बहुत बड़ी बात है सर, IC के अंदर से निकाल के वो बाहर कनेक्शन पेडलाइन के ऊपर जम्पर मार के आपका कनेक्शन करा। मेरा नहीं, कस्टमर का, हम ही लोग का था, मैंने स्टूडेंट का ही था, देखे सर वो माइंड ब्लोइंग था। तो वो माइंड ब्लोइंग जो सर के पास नॉलेज था तो वही का वही नॉलेज आज आपके पास आया कि नहीं आया? उस कहने का मतलब ये हम बहुत अच्छे हैं, पर बाकी हम आपको सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं? जिस लेवल पे जा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, है ना। आज वही केस अगर रिपीट में अगर तुम्हारे पास, अगर तुम यहाँ से जाते हो 24 तारीख को जब घर जाओगे और तुम्हारे पास वही केस आता तो तुम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो आपको उसका रीजन भी मालूम हुआ, कारण भी मालूम हुआ। प्रॉब्लम है हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्म। आउटसाइड क्या बचा हुआ है? आउटसाइड, क्योंकि हमारे को एक ऐसी लाइन ढूंढनी है इसमें जिसमें हमारे को अगर हीटिंग हो तो ये बाहर कर सके। So, फिर से बताओ आप लोग में से कौन सी लाइन आउटसाइड है? कोडिंग के हिसाब से नहीं देखते इसको, कैपेसिटर और वोल्टेज के हिसाब से देखते हैं। 10 वोल्ट ये लगा होगा, 10 वोल्ट का D3 डालो, D3 यहाँ डालो, अंदर UL आएगा और बाहर GR आएगा, और यहाँ पर 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा, 10 वोल्ट आएगा नहीं, ये झेलने की क्षमता है यहाँ पर, और इसको लिख लो रेफरेंस की लाइन, रेफरेंस मतलब आउटसाइड, एक रेफरेंस की लाइन है, बाकी ये सारे हमारे NC डाल दो, ये हमारे कोई काम के नहीं है, इसके साथ लगे कॉम्पोनेंट भी हमारे कोई काम के नहीं है, हम उसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, आप कर भी लेना, हम तो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। सो अब यहां पर देखो IC
के वोल्टेज पूरे चेक कर लिए पैड लाइन पर। अब एक बार जिया चेक करता हूं, सब लोग ध्यान दो जिया। तो कहां कहां जिया आएगा एक बार आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। फोटो लेना? हाँ ले लो, फोटो ले लो, ये कंप्लीट हो चुका है। सर ये C2P और C2P1 ये हमारे काम का नहीं है, NC। ये हमारे को बोर्नियो ने भी NC बताया, और आप इसकी लाइनों को कंपोनेंट निकाल भी दोगे तो भी ये चलता रहेगा। ये फिल्ट्रेशन के लिए है, इंटरनली फिल्टर है, ये लगे होने की जरूरत नहीं है। ये तरह सर को एक NC के जैसे लगे हैं कि नहीं लगे वो दोनों। अब देखो सब लोग ध्यान दो, इसका पूरा GR और पूरी लाइन कैसे चेक करता हूं, क्योंकि मैं ये रेडमी नोट 8 को पहले रिंगर बजा दूंगा कि बता दूंगा कि बनाए कि नहीं बनाए ब्रेक के बाद। अब क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर सेट में आज की डेट में या तो क्या लगा हुआ है स्मार्ट पी, नहीं लगा तो क्या लगा हुआ है कौन सा वाला, वो भी K318 9 बॉल। अब रैंडमली बहुत कम है, ये बिल्कुल ऐसे थे कि बहुत पुराने सेट में लगे थे, और आपके सेटों में जैसे नए नए रियलमी C2 इसमें भी आपका 9-14 बॉल का लगा है, C3 ये सारे बॉलों में जितने आते जा रहे हैं। 9 बॉल यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल होता है जो कहीं भी फिट हो जाए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद कैफ। कैफ जी कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से किस जगह से हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद बहुत अच्छी जगह से हैं आप। कैफ जी मैं आपसे बात करूँ तो आज ये कौन सा फोन लेके बैठे हैं आप? सर ये रेडमी का नोट 8। आज आपका किस चीज़ का सेक्शन था? सर ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन में आपको जो सर ने आपको एक एक बॉल जो आपकी जितनी भी IC होती हैं 9 बॉल 14 बॉल 16 बॉल और स्मार्ट PA ये सब सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और MediaTek के बारे में ऑडियो IC कहाँ जाती है उसकी, मतलब कहाँ से निकलता है उसका फ्रिक्वेंसी, ये सब सारी चीज़ें बताई सर ने। सर वो पता है, मैं बता दिया। पता है, कॉपी में आपने नोट्स भी बनाए हैं? नोट्स बने हैं। अभी ये जो नोट 8 आपने सामने दिखाया आपने, इसमें क्या दिक्कत है? इसकी सर ऑडियो में प्रॉब्लम है, आवाज़ रिंगर में आवाज़ रिंगर में आवाज नहीं आती थी। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था आपने डायग्नोस किया? यस सर, इसके ये यहाँ से ये होना ब्रेक था। कहाँ से ब्रेक था? कॉइल से, यहाँ से जंप ब्रेक था, इसमें जंपर किया। अब ये वोल्टेज की लाइन का था कि क्या लाइन? वोल्टेज की लाइन थी इसमें जो ना। कितने वोल्टेज आ रहे थे इसमें? सर इसमें 4.4 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा, तो इसमें क्या किया है आपने? सर अब इसमें जंपर करके IC दोबारा लगा रहे हैं। लगाने वाले हैं आप? सबसे पहले आप फोन चालू करके दिखा दीजिए, और एक बार ऑडियो चालू करके दिखा दीजिए, आवाज बज रहा है कि नहीं बज रहा। हालांकि कॉमन बात है यहाँ पे ऑडियो IC निकली हुई है तो कहाँ से बजेगी इसमें? तो एक बात बताइए कि ये नॉर्मल IC है या फिर नॉर्मल PA है या फिर स्मार्ट PA है? स्मार्ट PA है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल PA कैसा होता है और स्मार्ट PA कैसा होता है? सर सब बता देंगे। पता है, पहचान सर ने बताया आपको? बिल्कुल सर, आपने डायग्नोस भी किया है? डायग्नोस भी किया, डायग्राम भी। बस चालू करके बता दीजिए कि फोन चालू है अभी भी। तो आपने खुद से निकाला है? यस सर, रिवॉल्व भी किया, चालू है। क्या देख पा रहे होंगे, फोन चालू है और ये आप इसमें स्मार्ट PA लगाने वाले हैं ना सर? ठीक है, तब लगाइए। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OG boy. Day we hustle, but the night we. OG boy. Know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, कैसा लग रहा अभी? सर बहुत अच्छा है। और समझ में आया? यस सर। अब आप डायग्नोस कर पाएंगे इसके अगर पे और कोई फोन हो तो उसको डायग्नोस कर पाएंगे? कोई भी फोन हो कर देंगे। क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जिसको सीखना है वो कर सकते हैं। ऐसा वसूल है सर? पैसा वसूल है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए? बेस्ट है सर, बहुत बढ़िया। बेस्ट है, बढ़िया। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि डाउनग्रेड टीचर से आप पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं सर, टीचर तो बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू।
हमारे साथ है 28 जून की बैच। यस सर। उनको लाइव है। सब है सर। सब लाइव है। यस सर। आज क्या सेक्शन था हमारा? ऑडियो सेक्शन। यस सर। यस सर। ऑडियो सेक्शन कोई से सीपीयू पे छुटाए क्या? बात करूं एमटीके की, बात करूं क्वालकॉम की, क्वालकॉम के तीनों फॉर्मेट की बात करूं, ज़ाइलोस की। यस सर। सारे फॉर्मेट पूरे हुए हमारे? यस सर। एक-एक फॉर्मेट पूरे हुए? यस सर। नो बॉल का, 14 बॉल का, 16 बॉल का, स्मार्ट पी है जी, नॉर्मल पी, स्मार्ट पी, सब बताया। सारा सारा हुआ आपको? यस सर। कोडिंग मालूम है आपको? यस सर। कहां पे फ्रीक्वेंसी नापना है ये मालूम है आपको? ये किसके साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ। कितने घंटे की क्लास थी आपकी? 5 घंटे। 7 घंटे की। 7 घंटे की क्लास के बाद फिर आपने क्या किया? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में एक एक ने आईसी उठा के पेड लाइन चेक करी। यस सर। उसका डायग्राम बनाया। यस सर। डायग्राम आपकी कॉपी पे मिल सकता है? यस सर। आपको सबको समझ में आया? यस सर। किस किस को समझ में आया हाथ खड़े करके बताओ? बताइए मेरे, हाथ खड़े करके किस किस को समझ में आया? अगर आपको मैं, अगर रिंगर का क्वालिटी अगर एक मोबाइल देता हूँ तो आप बनाने में सक्षम हो गए? आपको मालूम है एन पे कितने वोल्टेज आते हैं? एन पे जी आर कितने आते हैं? बीपीएच अगर आ रहा है 4 वोल्ट तो आपको जी आर का कितना मिलेगा? वोल्टेज कितना मिलेगा? कौन सी जगह पे मिलेगा? कौन से कंपोनेंट पे मिलेगा? कहाँ से आएगा? ऑडियो सिग्नल कैसे, किस रूप में आएगा? कहाँ से आएगा? अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो ऑडियो सिग्नल के आपके ऑडियो आईसी को कैसे चेक करना, ये नहीं बताया आपको? मालूम है आपको? चेक कर लेंगे आप। किस कंडीशन में आईसी उड़ाना है आपको? बताया आपको? चलिए ठीक है, वन बाय वन पूछता हूँ मैं। अभिषेक ये बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया था। किनके साथ क्लास था आपका? देव सर के क्लास। कब से क्लास स्टार्ट हुई? सुबह 11:15 से। किस लेवल पे बताया सर ने आपको? एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे? हाँ। कोई सा सीपीयू छोड़ा ना? कोई सा टाइप छोड़ा? नहीं। सारे प्रकार के आपके पास अगर रिंगर आईसी आती है, ऑडियो आईसी आती है तो आप पूरा तरीके से बना सकते हैं उसको आप जी। चलिए, और आपको एक एक कोडिंग मालूम है उसकी? मालूम है। आप स्कीमेटिक डायग्राम में भी देख सकते हैं और मैनुअली भी देख सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं जी। आप आईसी देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। खाली माइक्रोस्कोप में आप आईसी देखेंगे? आप माइक्रोस्कोप में आईसी देखेंगे कौन सा कंपोनेंट किस काम के लिए लगा, ये आपको मालूम है? मालूम है। किस किस को मालूम है? खाली माइक्रोस्कोप में देख के बता देंगे, सब बता दोगे माइक्रोस्कोप में कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। तीन रजिस्टर लगे तो तीन रजिस्टर का क्या काम है, दो एक साथ लगे तो क्या काम है ना। आपका रेफरेंस का कैपेसिटर कौन सा है? आपके सीरीज में अगर कैपेसिटर लगा तो क्या कर रहा है? आपको क्लियर है पूरा? चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम आसिफ अंसारी, बहराइच यूपी। अच्छा जी, हमारी आज देव सर के साथ क्लास थी ऑडियो रिंगर आईसी और ऑडियो आईसी की, बिल्कुल डीप लेवल पे लेकर गए हम लोगों को जी। क्वालकॉम सीपीयू हो, एमटीके हो, स्पीडी हो या सैमसंग का हो, कोई भी हो, कहाँ से डीसी टू डीसी चेक करना है, हम लोग एक आईसी को देख के बता सकते हैं कि ये डीसी टू डीसी आईसी है, ये चीज़ है, और ईएन सिग्नल कितने वोल्ट का आएगा, कितने किलो का, ये सब हमको डीप लेवल बिल्कुल बताया गया आज देव सर के साथ। तो ये बताइए मेरे को कि उसी की जो सर ने आपको पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल क्लास में ये सर यहाँ से हम लोग आए, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को 10 मिनट के बाद प्रैक्टिकल हो गया है उसी का, जो हम लोग यहाँ थ्योरी पढ़ी हुआ उसका यहाँ पे प्रैक्टिकल। आईसी उठा के उसका पेडलाइन बनाया, पूरा पेडलाइन, पूरी डाटा शीट, एक एक बॉल को चेक करके पूरा आईसी उठा के हम लोगों ने बनाया, सभी ऑलमोस्ट सभी ने बनाया, ऑलमोस्ट सभी ने बनाया जी सर। तो कैसा लग रहा है सब काम? सर बहुत बेटर फील हो रहा है, सोल्यूशन आपके हाथ में, बिल्कुल एंडलेस है सर। रिंगर की प्रॉब्लम कैसी भी आ जाए तो एंडलेस है, समझ लिए सब बन जाएगा, चाहे यहाँ से प्रॉब्लम। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी सर। मेरा नाम शानिल है, मैं यूपी से हूँ। तो सर आज यूपी, आज देव सर के साथ बहुत डीप लेवल में क्लास हुई ऑडियो सेक्शन को लेके, तो उन्होंने बताया एमटीके सीपीयू या फिर आपका कोई सैमसंग का रहा, क्वालकॉम हुआ, जितने में सारी में कौन सी आईसी ऑडियो आईसी रहेगी और कौन सा रिंगर के लिए क्या आईसी यूज़ की जाएगी, कितने बॉल की रहेगी, स्मार्ट पीए कौन सा होता है, नॉर्मल पीए कौन सा होता है, उसके लिए कौन सा एएन सिग्नल है, क्या कोडिंग यूज़ करी जाती है एएन सिग्नल के लिए, और उसको जो उसके अंदर जो भी कोडिंग रहती है पूरी ए टू जेड, मान लीजिए 14 बॉल की है तो 14 बॉल में कितनी क्या कोडिंग रहेगी और कितने कितने जीआर मिलेंगे आईसी उठाने के बाद, वो सारा कुछ बताया, और कैसे हमको चेक करना है डीएसओ से, कैसे चेक करना है और विदाउट डीएसओ कैसे चेक करना है, सारा कुछ एकदम डीपली बताया सर। तो वो आपने प्रैक्टिकल क्लास में आईसी उठा के पेडलाइन बना के चेक आपने स्वयं की पीसीबी पे चेक किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल सर किया। चलिए ठीक है। हाँ। तो किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई किसी प्रकार? नो सर, कोई डाउट नहीं। कैसी लगी क्लास? बहुत बढ़िया सर, एकदम जबरदस्त। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर। मैं यूपी संगवाली मेहदी। आज सुबह देव सर के साथ क्लास थी, ऑडियो सेक्शन, साउंड, सब कुछ बाकायदा देव सर ने बताया, दिखाया, और रीडिंग क्या आती है, क्या जीआर मिलता है, कितना इनपुट आउटपुट आता है, सब बताया देव सर ने। फिर उसका प्रैक्टिकल किया और अच्छा प्रैक्टिकल के उसकी सर्किट जितना डायग्राम सब बनाया।
तो एक एक चीज के आपने बनाया अभी कोई भी रिंगर का फॉल्ट आता है कोई सा भी सीपीयू हमारे पास, हम मॉडल वाइज काम नहीं करते, हम सीपीयू वाइज काम करते हैं। तो सीपीयू वाइज काम करने में हमको सारी चीजों को पता है, हमको एकदम मेरी आरडीओ आईसी को क्वालकॉम का सेट है तो मेरी आरडीओ आईसी कौन सी होगी ये भी आपको जानकारी है, है ना। मेरी डीसी टू डीसी आईसी कौन सी होगी ये भी मेरी जानकारी है। मेरी पावर से मेरे को क्या मिलना है, अगर मेरे को रिंगर आईसी को चलाना है तो क्या मिलना है ये भी मालूम है, सब कुछ मालूम, हर चीज आपके हाथ में। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम रिजवान है। जी रिजवान बताइए। यूपी बहराइच से। जी बताइए सर। बहुत डीपली लेवल पे सिखाया है सर जी। आज जो रिंगर का प्रॉब्लम आता था या फिर एयर स्पीकर का प्रॉब्लम आता था सर, उसको सिर्फ चेंज करना जानते थे हम। बराबर चेंज किया नहीं चला वापस कर देते थे। हमको ये भी मालूम नहीं होता था कि हमारे एयर स्पीकर के कनेक्शन कहाँ से, हमारे रिसीवर के कनेक्शन कहाँ से, हमारे रिंगर के कनेक्शन कहाँ से। एटलीस्ट हमारा देखो हर चीज का एक डेलिकेटेड सेक्शन है। अगर मेरी अगर ऑडियो से अगर माइक का अगर संबंध है तो माइक की डेलिकेटेड एक क्लास है, हेडफोन की एक क्लास है, रिसीवर की एक क्लास है, रिंगर की मेरी एक क्लास है, सबको डिवाइड करके देखा है। एशिया टेलीकॉम ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है कि बोल देगा कि यहाँ से चेक कर लेना। हर टाइम में आपको आईसी की पेडलाइन चेक करना है, आईसी उठा के चेक करना है, और आईसी के उठाने के बाद और तुम्हारी ट्रेस पॉइंट के मतलब अगर रिसीवर की बात करें तो रास्ते में क्या क्या कंपोनेंट आएंगे सबका नॉलेज होना चाहिए आपको। अभी सबका नॉलेज है कि नहीं आया आपको? आज बात करें रिंगर की, तो रिंगर की एक एक कैपेसिटर जो वहाँ लगा है, एक एक रजिस्टर लगा है, सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है, तो हर चीज का तुम्हारे पास जीआर और काम मालूम है कि नहीं कैपेसिटर का? बिल्कुल। और आपने प्रैक्टिकल क्लास में सारा प्रैक्टिकल किया है, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सर। मैंने दो सेट जो नहीं बना था मेरे साथ, हाँ। वो मैं आज करके दिखाया हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, पंजाब से हैं ये। जी सर, मेरा नाम कुलदीप है और मैं पंजाब से हैं। हाँ जी। आज सर हमारी देव सर के साथ क्लास थी रिंग ऑडियो सेक्शन की। देव सर ने हमें सीपीयू के टाइप के बारे में बताया कि ए वाले क्वालकॉम में ये वाली ऑडियो आईसी लगी होगी, मीडियाटेक का होगा तो ये वाली लगी होगी। उसके बाद सर ने हमारे ही एक लाइव सेट से अपना उसका रिंगर नहीं चलता था जी। वो सर ने उसका पैड लाइन का एक माइक्रो जम्पर लगा के उसको बनाया और हमें बताया कि ये क्यों नहीं चल रहा था। वो अपना ईएन का सिग्नल टूटा हुआ था उसका जी। उसका ईएन का सिग्नल ये भी बताया कि ईएन का सिग्नल अगर हमें बाईपास करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? बाईपास भी कर सकते हो आप, ईएन सिग्नल को बाईपास भी कर सकते हो। आपको सीपीयू तक जाने की जरूरत नहीं है, रास्ते से ही उसको आप बाईपास करके और ईएन को बना सकते हो आप। हाँ जी सर। तो उसके बाद सर के साथ जो क्लास थी उसका हमारा प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल में हमने आईसी उठा के उसके नीचे जितनी भी बोले थी सब पे जीआर चेक किया और कहाँ से कहाँ की लाइन आ रही है वो सारा चेक किया कि आउटपुट क्या निकल रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। तो आपने सर के साथ भी बहुत अच्छा समझा। सर खाली थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, हर चीज का आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, हर आईसी को उठा के बताते हैं। सर हमारे सेट के ऊपर ही प्रैक्टिकल करके बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, सारा बताया। ऐसा तो नहीं सर गए और एक रजिस्टर को निकाल दिया और आपको बता दिया? ऐसा कुछ नहीं है, पहले सारे बोर्डों पे चेक कराया, फिर लाइव प्रैक्टिकल भी करके बताया कि इसका ये है। और फिर उसके बाद भी हम ये बोलते हैं कि हम पूरे मोबाइल को समझना है। तो आपको आज आपका स्मार्ट पीए का सेक्शन था, आपका रिंगर का सेक्शन था, आपका रिसीवर का सेक्शन था, तो क्या आपके हाथ में एक स्वस्थ जो एक सही रीडिंग होना चाहिए, तो एक सही रिसीवर की रीडिंग है आपके पास? हाँ सर। सही रिंगर की रीडिंग है? क्या इनपुट का जीआर होगा? हाँ। क्या ईएन का जीआर होगा? क्या आउटपुट का जीआर होगा? वो सारे दिमाग में है आपके? पूरे पूरे हैं सर। पूरे के पूरे दिमाग में है? यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। मेरे भाई सिद्धनाथ सिंह बिहार। जी बताइए, कैसी रही क्लास आपकी आज की ऑडियो की? बहुत बढ़िया। देव सर के बाद कितने सेट पे बताया देव सर ने आपको? दो रिंगर बताया सर। अच्छा, तो उसका सारा प्रैक्टिकल किया आपने इस क्लास में? जी सर। आईसी की पेडलाइन उठा के पेडलाइन बनाई आपने? जी सर। एक एक चीज मालूम है आपको कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है? जी एक एक चीज मालूम है आपको। अगर आपका आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है और जीआर आ रहा है तो वोल्टेज कितना आ रहा है, जीआर कितना आ रहा है, ये मालूम है आपको? जी सर। रिंगर आईसी कैसा काम कर रहा है, रिंगर आईसी को किन किन वोल्टेज की जरूरत लग रही है, ये मालूम है आपको? जी जी। चलिए ठीक है, ये सब काम करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेटर लग। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, मेरा नाम शुभम पटेल, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। आज मेरी क्लास देव सर के साथ थी ऑडियो सेक्शन के रिलेटेड, जो भी मतलब ऑडियो सेक्शन के बारे में डीपली नॉलेज दिया सर ने। और क्लास के बाद प्रैक्टिकल का मतलब एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल था जी। जो देव सर ने जो पढ़ाया सिखाया वही प्रैक्टिकल में हमने रिवीजन किया सर। अच्छा,
अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होता कि देव सर कुछ और पढ़ा देते हो, प्रैक्टिकल में कुछ और पढ़ा देते हो? ऐसा नहीं, कुछ, सर, कुछ भी नहीं, सेम सारी चीज का सिंक्रोनाइज होता है। जी सर। जो सर पढ़ाते उसी का प्रैक्टिकल होता है कि दूसरी चीज का प्रैक्टिकल होता है? नहीं सर, वही चीज का, वही चीज का प्रैक्टिकल होता है। डाटा दोनों का मैच करता है? जी सर, 100% मैच करता है ना डाटा आपको? जी सर, हर चीज क्लियर है ना? परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्लियर है। तो अभी रिंगर की बात करूँ तो रिंगर सेक्शन में आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? रिंगर सेक्शन में हमने मतलब ट्रेसिंग किया, ईएन सिग्नल वगैरह, मतलब तो ये आईसी उठा के क्या, कि आईसी लगा के किया? आईसी उठा के क्या, पैडलाइन चेक किया। अच्छा, सब कुछ मैच करके परफेक्ट। तो बाद में वापस आईसी लगाया? जी सर। वही जीआर, वही वैल्यू वापस आई है तुम्हारी? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक तो आईसी परफेक्ट तरीके से लगाई और सारी चीजों का आपको ईएन का कितना जीआर मिलना चाहिए वो आपको मालूम है? जी सर। आपको वोल्टेज का जीआर कितना आना चाहिए ये मालूम है आपको? जी सर। आपको रेफरेंस कैपेसिटर पे कितना जीआर आना चाहिए ये मालूम है आपको? जी सर। आपको अगर इनपुट सिग्नल आ रहा है आपके आपके ऑडियो आईसी से तो वो भी जीआर आपके पास में? सब कुछ पता है, सब कुछ पास में। अगर इनकेस ऐसा होता है कि आपके पास डीएसओ नहीं है, आपको कब रिंगर पे काम करना है, कब रिंगर पे काम नहीं करना, तो वो मेथड भी है आपके पास? जी सर, वो सबसे बढ़िया ट्रिक है। तीसरे चौथे दिन की क्लास हो गई है आपकी, चौथे दिन की, पांचवे दिन की क्लास हो गई है आपकी, तो पांचवे दिन का रिजल्ट क्या है? और बात करूं मैं आज आरडीओ रिंगर की, आरडीओ प्लस रिंगर आईसी की क्लास थी आपकी, तो इसका क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसी लगी क्लास आपको? सर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस की बात करें तो सर, सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया, सर सब नॉलेज दिया सर, फिर क्लास के बाद, सर की क्लास के बाद हम प्रैक्टिकल पे आए, आईसी पैड पे चेक किया कहाँ से क्या होता है, कहाँ से कितना वोल्टेज मिलता है, कितना जीआर मिलता है, सारी चीजें। तो आपने आईसी उठा के पूरा पेडलाइन चेक किया इसका, उसी का स्कीमेटिक डायग्राम बनाया सर। तो अभी अभी अगर मैं बोलूँ आपको कि आप हॉस्टल जा रहे हैं, हॉस्टल जाने के बाद अभी जैसा टाइम हो रहा है 9 बज रहा है सर, है ना, 9 बज रहा है, अभी हॉस्टल जा रहे हैं, और रात को 1 बजे मेरा फोन आता है तुम्हारे पास कि अब्दुल मेरे को ये बताओ, मेरे को आपकी एक रिंगर आईसी स्मार्ट पीए का भी डायग्राम बना के बताओ, और एक मेरे को 16 वाल की आईसी का भी डायग्राम बना के बताओ, और कौन कौन सी लाइन कहाँ कहाँ से आ रही, कौन कौन सी आईसी क्या रही विथ जीआर के साथ, तो आप बना सकते कि नहीं बना सकते? कौन कौन बना सकता है भाई? सब 100% बना सकते हैं सर। खाली बात तुम्हारी कर रहे हो, पूरी क्लास की कर रहे हो? पूरे सारे जितने भी है सब बना सकते हैं। तो आने से पहले तुमने सोचा था कि मैं एक आईसी का उठा के पूरा लेआउट बना दूंगा? इतना कभी भी सोचा ही नहीं सर, ऐसा होगा जितने, मतलब ये एक्सपेक्टेशन के बाहर है, इतने डीपली नॉलेज। अगर हमारे पास डायग्राम भी नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा, तब भी हम चेक करके निकल लेंगे। खाली आंख से देख के बता सकते हो कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ से? चलो ठीक है, अपने आप में देखो तुम इस चीज को समझ रहे हो, कर रहे हो, अपने आप में बड़ी चीज है, है ना, और आप इतनी बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ब्रिजेश यादव, यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ जी, आज देव सर के साथ ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जी, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल हुआ ऑडियो सेक्शन और रिंगर के जी। हम लोग ने आईसी निकाल के जीआर और वोल्टेज कितना आता है पूरा पता किया, पूरा चेक किया, उसके बाद डायग्राम बनाया जी। तो अभी ये बताओ मेरे पास कि आपको अगर कोई रिंगर का सेक्शन का कोई सा भी फॉल्ट आता है तो आपको कहाँ कहाँ वोल्टेज को मेजर करना है, कहाँ कहाँ जीआर को मेजर करना है, कहाँ कहाँ आपको फ्रिक्वेंसी चेक करना है, तो सारी चीजें आपके दिमाग में है कि नहीं है? है सर। सारी चीजें है ना उसके अंदर। देखो पहले हमारे पास कुछ भी नहीं होता था आईसी बदलने के अलावा, समझना मेरी बात को, पहले आपके पास कोई भी माध्यम नहीं होता था आईसी बदलने के बाद। अब आपके पास कितने ट्रेस पॉइंट हो गए जहाँ आप चेक करके आईसी को डिसाइड कर सकते हो कि आपकी आईसी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ सर, हम चेक कर सकते हैं, है ना। अगर विदाउट डीएसओ की बात करूं मैं कि अगर चेक करना है आपको, अगर आईडियो आईसी चेक करना है तो आप चेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर। तो ऐसा नॉलेज आपको एशिया टेलीकॉम से मिलता है, तो इस नॉलेज से आप सेटिस्फाई है कि नहीं है? सेटिस्फाई। अब तुम्हारे साथ पूरी क्लास को नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, और सारे बच्चे सेटिस्फाई है कि नहीं? सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई है यहाँ पर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बेसिकली हरियाणा से है। मैं हरियाणा से सर जी। तो सर आज सुबह हमारे देव सर के साथ क्लास थी और उन्होंने बिल्कुल डीपली नॉलेज से समझाया रिंगर ऑडियो आईसी के बारे में, हमें डीपली नॉलेज दी है जी। तो मतलब उसके बारे में मुझे जीरो से लेकर, मतलब आप मान के चलो 10% का भी नहीं पता था, अब मैं 100% जानता हूँ उस बारे में। अच्छा, तो देखो तुम काफी टाइम से काम कर रहे थे, अपने आप को जीरो पे रख रहे हो, यहाँ आके सारी चीजें समझ रहे हो, तो समझने में एक फ्रेशर बच्चा आता तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे को क्या मिला, समझना मेरी बात को। पर बाकी एक जो अनुभवी इंसान काम करता है और 10 साल से गलती करते आ रहा है, वो चीज सीखी नहीं है, फ्रेशर है, वो आज पहली बार सीख रहा है, तो उस चीज का अंदाजा नहीं होता है। आप 2-4-5 साल 6 साल से काम कर रहे हो तो आपको आपका अनुभव क्या है? आज इसी सेक्शन की बात करूँ, आईसीयू सेक्शन, आज आपका इस फॉल्ट में कोई भी सेट आएगा वो वापस
नहीं जाएगा। और मैं जितने साल से काम कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी, बस ये था फोन आया कोई भी है कुछ थोड़ा बहुत किया जो जानते थे वो करके अगर नहीं हो रहा तो वापस कर देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन अब इतना है हम जीरो से लेकर 50% अब मानते हैं, 100 तो कोई हुआ नहीं है सर लेकिन 50 जरूर मान रहा हूँ, अभी तो बहुत टाइम है जी। तो ठीक है, जितना समझाया है उसका मुझे बिल्कुल जीरो से लेकर जितना समझाया 100% जानता हूँ। तो आज तुमको जो नॉलेज मिला है रिंग बहुत जबरदस्त और ऑडियो आईसी का तो एंड तक मिला कि बहुत जबरदस्त सर बिल्कुल एंड तक मिला। यस सर। अच्छा दूसरी बात ये पूछोगे अगर अगर आपके पास अगर अभी फिलहाल के तारीख में अगर मैं अगर आपको 5 सेट दे दूं, अभी देखो जो तुम बात बोल रहे हो ना अभी यहाँ पर जो व्यूअर है वो क्या समझ रहे होंगे मालूम तुमको, आप फेक बोल रहे हो। नहीं सर फेक क्यों बोलूंगा, आप फीस देके बैठे हो ना। फीस देके बैठा हूँ सर, मेरे पे कोई दबाव थोड़ी ना, जो आपके दबाव से मटन बिरयानी तो नहीं खिला रहा हूँ ना मैं अभी रात को। नहीं सर फीस देके बैठे, काम करने आए काम सीख के जाएंगे सर, ऐसे नहीं मिलेगा तो ही बोलोगे ना यही सर है ना, तो ये जनता सुनना चाहती है सर। पैसे देके कोई भी आपके दबाव में नहीं बोलेगा, मैंने पैसे भरे हैं, मैं आपकी कोई गुलामी नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, नाम इनका चंदन, और बहुत दूर से आए हैं जी। बताइए बहुत दूर से आने के बाद क्या रिजल्ट, आज चौथा पांचवा दिन है आपका एशिया टेलीकॉम में, बताइए आप। सर आज मैंने सुबह ऑडियो आईसी क्लास थी देव सर के साथ, देव सर एक सेट था वो हम लोग माने सर पहले ही बोला गया था सेट लेके आने के लिए, तो एक लड़का लेकर आया था ऑडियो आईसी पहले से ही घटा कर रखा था, काम करवाया था आईसी में नहीं हुआ था उतना, वो आईसी चेंज यूज करवाया था फिर भी नहीं हुआ था। देव सर उसको बोले कि आईसी से प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा जम्पर आईसी से उठा कर मारे और कम्प्लीट हो गया। तो लाइव प्रैक्टिकल किया सर ने आपके मोबाइल में? हाँ सर जी लाइव प्रैक्टिकल, आपका ऑडियो बंद था एक जम्पर से आपका ऑडियो चालू करा, तो ये जम्पर से सर ने ऑडियो चालू करा तो वैसा क्या जम्पर से आपका ऑडियो चालू करा तो इसका मतलब ये है कि लाइनों का पूरा और कहीं नहीं, आईसी के अंदर मारे है यही बहुत बड़ी बात है ना सर, आईसी के अंदर से निकाल के वो बाहर कनेक्शन पेड लाइन के ऊपर जम्पर मार के आपका काम कनेक्शन करा। मेरा नहीं कस्टमर का, हम ही लोग का था मैंने स्टूडेंट का ही था सर, देखे सर वो माइंड ब्लोइंग था। तो वो माइंड ब्लोइंग जो सर के पास नॉलेज था तो वही का वही नॉलेज आज आपके पास आया कि नहीं आया, कुछ कहने का मतलब ये हम बहुत अच्छे हैं पर बाकी हम आपको सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं। हाँ जिस लेवल पे जा रहे हैं वो सिखा रहे हैं सर है ना। आज वही केस अगर रिपीट में अगर तुम्हारे पास अगर तुम यहाँ से जाते हो 24 तारीख को जब घर जाओगे और तुम्हारे पास वही केस आता तो तुम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो आपको उसका रीजन भी मालूम हुआ, कारण भी मालूम हुआ, प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम पर डिटेल्स में पता चला। तो आज की क्लास के बारे में अभी एंड में आपने जो देव सर से आए फिर उसका डिप्ली में प्रैक्टिकल का क्लास किए, फिर वही आईसी खोल के कहाँ से जी आर निकलेगा कहाँ से ई आर सब डिटेल्स में निकाले उसको निकाल कर फिर से आईसी बैठा है सर क्लास पर पूरा। कैसा लग रहा है सब सर? एंडलेस सॉल्यूशन आपकी जेब में है अभी? जी सर एकदम। चलिए ऑल द बेस्ट। हेलो सर, मेरा नाम रिहान। हाँ जी। और मैं मुंबई महाराष्ट्र से। हाँ जी। और आज हमारे देव सर की क्लास थी सुबह ऑडियो सेक्शन की, और उन्होंने आज हमारे हमको ऑडियो सेक्शन के एक एक पार्ट एक एक चीज़ के बारे में बताया, वहाँ से कौन सी सप्लाई आती है कैसे रिंगर बचेगा सर, एक एक चीज़ हमको आज प्रैक्टिकल भी करके बताया। फिर उसके बाद हमारी सर शाम को एक क्लास लगी तो घर, फिर हमको फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया गया कि यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल में क्या किया तुमने? सर हमने प्रैक्टिकल में सर रिंगर आईसी को बदला, स्पीकर आईसी को देखा। हाँ। सर कहाँ कहाँ से सप्लाई आती है, किसके रजिस्टर कैपेसिटर से लगता है। अच्छा। सर एक एक सप्लाई के बारे में जाना सर, पहले मल्टीमीटर नहीं देखना आ जाता, अभी सब समझते हैं मल्टीमीटर के बारे में। तो अभी मैं अगर आपको कोई सा भी रिहान अगर फॉल्ट दे देता हूँ रिंगर आईसी का तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? बना दोगे? कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये पापा भी देख रहे हैं। हाँ बना रहे हैं सर, पहले तो आईसी लगा रिवॉल्विंग करना आता था परफेक्ट नहीं सर, बैठाना तो आता ही नहीं था। अच्छा। सर अभी तो एकदम कचरे के माफिक लगता है। कचरे के माफिक लगता है सर। एक बार उम्र क्या है तुम्हारी? 17 देख लो व्यूअर्स, आप सुन लो 17 की उम्र है इनकी और आज ये कंडीशन है। आपने सीपीयू कितनी बार लगाया बंदर? बहुत बार लगाया है। यहाँ पर कितनी बार लगाया? यहाँ पे लगाया 5-6 बार सर। 5-6 बार सीपीयू लगाया। आपका जॉब डन हुआ? यस सर। आपका काम डन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सीरियस से हुआ? Yes, तो कोई सा भी मैं आईसी दे दूं आप रिवॉल्व भी कर सकते हो, सीपीयू भी लगा सकते हो, कोई से भी मोबाइल का आराम से लगा दे। आराम से लगा सकते हो। अभी महीने भर का सफर पूरा है, अभी 4 या 5 दिन हुए आपको एशिया टेलीकॉम आने में। सर वो आपने कहा था कि आप 4 दिन में लगा, सर मैंने 3 दिन में कम्प्लीट कर दिया। मैंने ये गारंटी दी थी आपको। Yes, अगर 4 दिन में अगर आपसे सीपीयू नहीं लगता है, मैंने आपको सबको गारंटी दी थी इनकी, सबको बोला था मैंने अगर ये बंदा सीपीयू 4 दिन में नहीं लगा देगा तो मैं इसकी फीस वापिस करूंगा और आने जाने का खर्चा भी दूंगा इसका। तो 4 दिन ही 3 दिन में कम 3 दिन में कर दिया आपने, तो कैसा लग रहा है?
मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम है मोहम्मद के, यूपी से जी। बताइए सर, सुबह हमारी देव सर के साथ क्लास थी जी, ऑडियो सेक्शन रिसीव हो रही है और क्या नाम है सारा बताएगा सर ने हमें अच्छा, कि कौन सी सप्लाई कहाँ जाती है सारा डायग्राम से ही बताया, प्रैक्टिकल करके भी बताया ठीक है। फिर उसके बाद सर देखो सर ने बहुत कुछ बताया तुमको, समझ में आ रही बात तुम्हारी सर? बहुत सर ने बहुत कुछ बताया तुमको, तुमको क्या समझ में आया ये बोलो, ये लाइव जनता आपको देख रही है। फिर आप यहाँ आपने आपने जब पीसीबी पे आपने माइक्रोस्कोप के सामने आपकी पीसीबी रखी तो आपको क्या समझ में आया सर? हमें सब समझ में आया कि कहाँ कितने वोल्टेज आने हैं, कौन सा कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, मतलब कहाँ कॉइल लग रही है, सब पता है। सब पता है सर, हमने करा भी यहाँ पे आने के बाद करा भी सर। तो आप अभी आने के बाद लाइव क्या करा आपने सर? लाइव हमने उसकी वही जो सर ने सेट किया था दोबारा से हमने अपने हिसाब से किया, मतलब जो सर ने बताया था ऐसी हमने किया, वो भी ऑन हो गया, वो भी ऑन हो गया, ऑन हो गया, रिंगर भी देख सकते हैं हम। क्या सर बिल्कुल देखें आप, तो देव सर आपको देख रहे हैं, क्या बोलोगे सर? देव सर के लिए बहुत 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 शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मैं राहुल जम्मू से। हाँ जी राहुल बताइए। जी सर, आज हमारी ऑडियो सेक्शन की क्लास थी ऑडियो आईसी जी, और जो जो जितनी वोल्टेज आती है यहाँ से, जितना जीआर वगैरह जो भी आता है, जो भी आईसी का फॉल्ट, कैसे चेक करें उसको, कैसे जो भी फॉल्ट होता है, तो उसके बारे में आज हमारी क्लास थी। तो आप यहाँ पे डेड पीसीबी पे काम कर रहे हो कि मतलब अलाइव पीसीबी पे? आपको नॉलेज कैसा मिल रहा है? ऑन बोर्ड पे आज आपने काम किया है यहाँ पर? बिल्कुल ऑन बोर्ड पे काम किया आपने, आईसी निकाला, निकाल के पेड लाइन बनाया, वापस से आईसी लगाई, मोबाइल चालू हुआ कि नहीं हुआ? एक एक रजिस्टर का वैल्यू मालूम है कि नहीं आपको? किस वैल्यू का रजिस्टर है, इसको हटा देंगे तो क्या काम होगा, अगर इस कैपेसिटर को हटा दिया तो क्या काम होगा, एक एक चीज का वैल्यू मालूम है कि नहीं आपको? पहले यही पता नहीं कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन करता है, उससे क्या फॉल्ट पड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आज मल्टीमीटर से और पीसीबी से, जीआर से, वोल्टेज से और आपकी फ्रिक्वेंसी से दोस्ती हुई कि नहीं हुई? जी सर, जी आज चौथा पांचवा दिन है, दोस्ती हुई कि नहीं? होना लाजमी है आपका, तो हुई कि नहीं हुई दोस्ती? बिल्कुल सर। तो भाई तुम जम्मू कश्मीर से इतनी दूर से आए हो, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका वेस्ट जा रहा है यहाँ पर? नहीं 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 सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। टीचर मेहनत करते हैं आपको बड़ी। देव सर की क्लास जो होती है तो एनर्जी का लेवल क्या होता है उनका पढ़ाने का? देखो पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ाने में एक एनर्जी रहती है कि नहीं रहती है? जी सर बड़ी एनर्जी, बड़ा दिल से पढ़ाते हैं। तो एंडलेस सॉल्यूशन मिलता है सर के पास आपको? जी सर। अगर यही क्लास अगर आपको अगर कोई फलाना डीम का टीचर देता तो इतना नॉलेज आ पाता? इतना नॉलेज नहीं आ पाता सर, महीने तक भी नहीं आ पाता। नहीं आ पाता? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, मेरा नाम मोहम्मद रेहान जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। आज ऑडियो आईसी की क्लास थी हमारी जी, बहुत बढ़िया क्लास रही सर जी। तो क्लास सर ने जो देव सर ने आपको नॉलेज दिया, इतना 6 घंटे 7 घंटे की आपके देव सर के साथ क्लास हुई, तो किस प्रकार का नॉलेज मिला आपको? बहुत डीप नॉलेज दिया सर। डीप नॉलेज मिला? हाँ। और उस डीप नॉलेज का आपने एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया? यस सर, यस सर, किया भी है और सर हमसे कराया भी गया है। अच्छा। हाँ, हमारे पीछे से भी टीचर रहते हैं। हाँ। और जितनी मेहनत हमसे कराते हैं वो खुद भी उतनी मेहनत करते हैं जी। तो आपने एक आईसी को उठा के उसका पेड लाइन वगैरह बना के जीआर निकाले कि नहीं निकाले? हाँ निकाले। हर कैपेसिटर की वैल्यू मालूम है कि नहीं? अगर आईसी के आजू बाजू में कैपेसिटर रजिस्टर लगे हैं तो आपको उसकी वैल्यू मालूम है कि नहीं? यस सर। कि कौन सा कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, कौन सा रजिस्टर क्या काम कर रहा है, अगर 3 रजिस्टर लगे हैं तो क्या काम कर रहे हैं? यस सर। है ना, हर चीज़ को खोल के बताने की जरूरत नहीं है, लाइव चल रहा है, जिसको अगर चाहिए हम खाली एक हिंट देते हैं कि आप इस लेवल का काम आप भी कर सकते हैं। यस सर। आपका देखो, आप भी किसी का रिव्यू देख के आए हैं, किसी का इंटरव्यू देख के आए हैं, है ना, तो आप आज आप दे रहे हैं। Yes, है ना, आपको दूसरा देख रहा है, ऐसी चेंज चलती जाती है। Yes, तो कितना जरूरी है कि अगर आप दिन भर क्लास में मेहनत कर रहे हैं तो उसका आउटपुट निकालें आप, और आप सबको पूरी जनता को बताएं। Yes, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। एशिया टेलीकॉम में, एशिया टेलीकॉम के अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है कि जो हर चीज को, हर क्लास को लाइव लाया? नहीं सर, लाइव कौन ला सकता है? एशिया टेलीकॉम लाइव वो इंसान ला सकता है जो स्टूडेंट को दे रहा है। एशिया टेलीकॉम, हाँ, जो स्टूडेंट को दे रहा है, जो काम किया करते हैं उसका लाइव वीडियो चला करता है लोग, ताकि पब्लिक कि मैं कर क्या रहा हूं। हाँ, है ना, लोग वीडियो बना, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमको 100% आता है। क्या वो काम स्टूडेंट को आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, स्टूडेंट समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, बात इसकी होती है। यस सर। तो आप हर चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आज के सेक्शन की बात करूं, अभी कोई रिंगर का फॉल्ट आता है, यहां ऑडियो आईसी से फॉल्ट आता है, तो आप बना सकते हैं कि नहीं? 100% मिस्टर, अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?